तो पांचवें चरण के रण के लिए मतदान लगातार जारी है। हर एक जानकारी न्यूज 18 आपको पर्पल के दे रहा है। ये चरण काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, वोटिंग लगातार चल रही है। लेकिन इन सबके बीच बड़ी खबर मिल रही है रायबरेली से, जहां पर हरचंदपुर में ईवीएम खराब हो गया है। बूथ नंबर 225 138 पर ईवीएम खराब हो गया है। ये बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। रायबरेली ही नहीं, कैसरगंज में भी ईवीएम खराब हुआ था और अपडेट ये मिल रहा है कि वहां पर ईवीएम ठीक हो गया है। अलग अलग जगहों से ईवीएम खराब होने की तस्वीरें सामने आई। तो आपको ये बता दें कि जो खबर हमने आपको बताई थी कि कैसरगंज में ईवीएम खराब हो गया है बूथ नंबर 163 पर, अब वो ठीक हो गया है। तो आपको बता दें कि ईवीएम ठीक होने के बाद एक बार फिर से सुचारू रूप से मतदान चल रहा है। अलग अलग मुद्दे हैं लोगों के, अपने मुद्दों को लेकर, अपने सोच को लेकर लोग वोट कास्ट करने के लिए पहुंच रहे हैं। हालांकि इन सबके बीच में इंडिया गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी के अपने अपने दावे हैं। लेकिन साथ ही बता दें, लखनऊ की बात करें, अमेठी की बात करें, रायबरेली की बात करें, जो बड़े लड़ाइयां हैं वो इस चरण में काफी ज्यादा अहम भूमिका निभाते हैं। और फतेहपुर से खबर आ रही है, यहाँ के भोगलपुर में ईवीएम खराब हो गई है। बूथ पर एक घंटे तक मतदान रुका रहा। बूथ संख्या 7 और 8 की ईवीएम भी खराब हो गई है। तो ये तमाम खबरें हम आपको बता रहे हैं जो अलग अलग सीट से आ रही है, जहां पर ईवीएम खराब होने की खबर मिल रही है। फतेहपुर के भोगलपुर में ईवीएम खराब हुई है, एक घंटे तक मतदान रुका रहा। वही बूथ संख्या 7 और 8 की ईवीएम भी खराब बताई जा रही है। झांसी के बबीना में ईवीएम खराब होने की खबर है। बबीना के बूथ संख्या 253 पर ईवीएम खराब होने की खबर मिल रही है। बिना वोट डाले कई मतदाता लौट गए हैं, तो इस तरह की खबरें भी आ रही है। झांसी के बबीना में भी ईवीएम खराब होने की खबर मिल रही है। और बहुत सारे जो मतदाता है वो पहुंचे थे वहां पर पहुंचने के बाद वो वापस लौट गए हैं। और आप हमारे साथ कई जो तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, साथ ही हमारे सहयोगी रामगोपाल भी वहां पर मौजूद हैं। रामगोपाल, सबसे पहले आपसे अपडेट लेंगे, मतदान लगातार जारी है और आप भी लगातार नेताओं के रिएक्शंस ले रहे हैं, वहां की जरा तस्वीरें बताएं, मतदान किस प्रकार से शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराया जा रहा है, वहां के लोगों का क्या कहना है, वहां की जनता किन मुद्दों को लेकर वोट कास्ट करने के लिए पहुंची है। बिल्कुल, इस वक्त मैं कैसरगंज लोकसभा सीट के उस पोलिंग बूथ पे खड़ा हूँ जहाँ पे बृजभूषण सिंह के परिवार का वोट है। और अब से कुछ देर पहले उनके पुत्र जो यहाँ से भाजपा प्रत्याशी हैं करण भूषण, उन्होंने अपना वोट डाला है, उनकी पत्नी ने वोट डाला है और जो प्रतीक भूषण विधायक हैं उन्होंने भी अभी वोट डाला है। इस तरीके से यहाँ पर उनके परिवार के लोगों ने वोट डाल दिया है। अब बृजभूषण करीब 9 बजे के बाद यहाँ पर आएंगे और वो यहाँ पर अपना मतदान करेंगे। तो ये वही बूथ है, आप देखिए यहाँ पर जब से मतदान प्रक्रिया शुरू हुई है तब से इसी तरीके की यहाँ पे लंबी लाइनें लगी हुई हैं और यहाँ पे मतदान प्रक्रिया लगातार चल रही है। इसी बूथ पे जो उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री थे रमापत राम शास्त्री, वो भी इसी बूथ के मतदाता थे। 7 बजे पहला मतदान उन्होंने ही यहाँ पे किया है और वो मतदान करके यहाँ पे जा चुके हैं। तो ये जो बूथ है ये VIP बूथ है और यहाँ पे आप देखिए कि जो व्यवस्थाएं हैं वो व्यवस्थाएं बिल्कुल, बूथ को सजाया गया है, टेंट लगाया गया है, गुब्बारे लगाए गए हैं, मतदान प्रतिशत को बढ़ाने की यहाँ पे तैयारी है। क्योंकि मतदाता जो है लाइनों में लगे हुए हैं और लाइन में लग के वो अपने बारी का इंतजार कर रहे हैं। क्या मुद्दा है चाचा इस बार वोट का? क्या मुद्दा है वोट का सर? जब इसको अब यहाँ पता लगेगा तभी हम मुद्दा कैसे बता दें क्या चल रहा है। क्या सोच के वोट देने आए भैया? ठीक सोच के वोट देने आए। विकास है कि कुछ और भी मुद्दा है? हाँ विकास ही है। तो वही है, विकास हुआ है, हुआ है, ये है विकास है? हाँ। तो विकास पे ही वोट है? अब वैसे जानवे करो है? विकास हुआ है तो आप वोट देने आई हैं, क्या दिमाग में है कि विकास की कुछ और? विकास हुआ है, अपने अपने मुद्दों को लेकर वहाँ पर वोट कास्ट करने के लिए पहुंची हुई है। आनंद दुबे प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अशोक यादव प्रवक्ता SP हमारे साथ जुड़े हैं। लेकिन बहुत जरूरी हो जाता है सौरभ मालवी जी आपके पास आना, क्योंकि आपकी बात अधूरी रह गई थी उस वक्त, पांचवें चरण के रण को आप समझा रहे थे, दावेवादी आप भी सुन रहे हैं, अलग अलग रिएक्शन सामने आ रहे हैं, जनता भी विकास के मुद्दे पर वोट कास्ट कर रही है, आपका क्या कहना है, आपका क्या विश्लेषण है? देखिए, पांचवें चरण का यह मतदान उत्तर प्रदेश के लिए बहुत निर्णायक स्थिति में है। यहाँ पर लगातार यानी राज्य में बीजेपी की सरकार होना, 2014 में केंद्र में बीजेपी का आना, 19 में आना और फिर 24 के लिए चुनाव सबके सामने दरवाजे पर खड़े हैं।
ऐसे में विपक्ष के लिए बहुत ही करो और मरो की स्थिति दिखती है। एक तो उनके साथ राज्य में भी नहीं होना, केंद्र में भी नहीं होना, फिर दोनों दलों का कभी विरोध होना और विरोध के बाद एक साथ आना, ऐसे में उनके पास आरोप प्रत्यारोप है। दूसरा, बीजेपी के पास लगातार अपने विकास का एजेंडा है। और दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं कि परिवर्तन बदलाव की जो स्थिति बनती है वो सरकार पर उस तरह की जनता का जनता विचार करती है कि एलिगेशन क्या है, भ्रष्टाचार क्या है, इस तरह के लिप्तता क्या है। सौरभ मालवीय जी, पिछली बार हमने देखा था बीएसपी और एसपी का गठबंधन हुआ था, इस बार कांग्रेस और एसपी साथ में है, तो इसका कितना असर देख पाएंगे आप? कुछ दिख रहा है आपको असर कि कुछ होने वाला है? हम बिल्कुल, मैं वही कर मुझे लग रहा है कि ये कोई चमत्कार नहीं होने वाला है। इनको के लिए बहुत कठिन स्थिति दिख रही है, क्योंकि मुद्दे यदि एसपी और बीएसपी एक साथ पिछली बार थी उसका परिणाम भी उस तरह से नहीं दिखाता, और इस बार अलग हैं तो बीजेपी को लाभ दिखता है, यानी मायावती इंडिपेंडेंट है, वो बीजेपी के पक्ष में जाता हुआ नजर आ रहा है। अशोक यादव जी, आपकी बात पिछली बार अधूरी रह गई थी। जो बीजेपी है वो विकास की बात कह रही है, कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठा रही है, इस बार आप कांग्रेस के साथ हैं, क्या जिस बातों को लेकर आप जनता के बीच पहुंचे हैं उसका प्रभाव देखने को मिलेगा? क्योंकि विधानसभा और जो पिछली लोकसभा हुई थी उसमें तो बहुत इसका असर देखने को नहीं मिला था, तो आपको क्या लगता है इस बार कुछ चमत्कार होगा क्या? देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी विकास की बात करती है तो जनता पूछती है किसका, तो किसका जब सवाल जनता पूछती है तब वो एक जवाब उसका उभर के आता है कि विकास हुआ भारतीय जनता पार्टी का, जिसमें आपने आपको पता होगा 10 साल पहले भारतीय जनता पार्टी के 3-स्टार ऑफिसेज नहीं हुआ करते थे। आज पूरे हिंदुस्तान में जितने जिले हैं 3-स्टार ऑफिसेज इनके हैं, अरबों खरबों रुपया इनको कहां से मिला? तो विकास भाजपा का हुआ है, न कि जनता का। विकास उन चंद उद्योगपतियों का हुआ है जिनका 16 लाख करोड़ इन्होंने कर्जा माफ किया, उन किसानों का 1 रुपया अगर चंदा का कर्जा माफ किए हो तो बताएं। तो विकास के नाम पे सिर्फ ढिढोरा पीट रहे हैं, लेकिन विकास हुआ है जनता भाजपा का, और विकास हुआ है अडानी अंबानी समेत उन उद्योगपतियों। ठीक है, आनंद दुबे जी से इसका रिएक्शन ले लेते हैं। आनंद जी हाथ उठा रहे हैं। जी आनंद जी, आप ये बात तो रखिएगा, इस सवाल का जवाब तो दीजिएगा ही कि जनता का नहीं भारतीय जनता पार्टी का विकास हुआ है, लेकिन जहां से हमारे सहयोगी कैसरगंज सीट से मौजूद है उस सीट को लेकर भी विपक्ष जो है आप पे आरोप लगा रहा है परिवारवाद को लेकर, उससे कैसे आप निपटेंगे और वहां पर कैसा चैलेंज देखते हैं आप? आनंद जी, देखिए, जिन लोगों की आंखों पर मोटा चश्मा लोहे का या टीन का चढ़ा हुआ उन्हें विकास नहीं दिखेगा, उन्हें उत्तर प्रदेश में एयरपोर्ट नहीं दिखेंगे, उन्हें उत्तर प्रदेश में मेडिकल कॉलेज नहीं दिखेंगे, उन्हें उत्तर रायबरेली और गोरखपुर में एम्स नहीं दिखेगा, कुशीनगर में एयरपोर्ट नहीं दिखेगा, अयोध्या में एयरपोर्ट नहीं दिखेगा, जेवर में एयरपोर्ट नहीं दिखेगा, वंदे भारत ट्रेन नहीं दिखेगी, तमाम चीजें जो उनको दिखेगी नहीं, क्योंकि ये वो लोग थे जिन्होंने अपने शासन काल में उत्तर प्रदेश को लूटा, गरीबों की नौकरी गरीब छात्रों की नौकरियां बेची और पैसा लेकर नियुक्तियां करते थे, जाति देखकर नियुक्तियां करते थे, दंगे फैलाते थे, उत्तर प्रदेश को आग के लपटों में जलाते थे, ऐसे लोग थे। मैं अभी रायबरेली और अमेठी की बात अधूरी रह गई थी, बस मुझे थोड़ा समय दे दीजिएगा। देखिए, अमेठी को जिला बनाया 2010 में, आपको पता है कि अमेठी में कलेक्ट्रेट नहीं था बैठने के लिए, कलेक्टर जो है वो एसडीएम, डीएम जो है एसडीएम के ऑफिस में बैठता था, एसपी थाने में बैठ के अपनी एसपी की ऑफिस चलाते थे, न जेल थी, कुछ नहीं था। 2017 में जब हमारी सरकार आई है तब कलेक्ट्रेट बनने का काम शुरू हुआ, एसपी ऑफिस बनने का काम शुरू हुआ है, जेल बनने का काम शुरू हुआ है, ककवा में एक फ्लाईओवर की डिमांड जो है पिछले 35-40 साल से थी उसको बनाने का काम हमारी सरकार ने किया, बाईपास बनाने का काम किया, इसी तरह रायबरेली में सैकड़ों गांवों में बिजली पहुंचाने का काम, सड़क बनाने का काम हमारी सरकार ने किया, कांग्रेस पार्टी ने कुछ नहीं किया। और समाजवादी पार्टी की बात मैं क्या करूं, जो सैफई में सिर्फ रंगीनियां करते थे, जनता के टैक्स का पैसा जो है उड़ाते थे और बार बालाएं बुलाकर डांस करवाते थे, इस तरह की अय्याशी समाजवादी पार्टी करते थे, और समाजवादी पार्टी का जो ये जो नेता जो साइकिल पर नहीं चल पाने की स्थिति में थे वो फॉर्च्यूनर में और डिफेंडर में चलने लगे, आज आय से अधिक संपत्ति के मामले में। ठीक है आनंद जी, यहाँ पर आपको रोकूंगी।